शिकायत पाया हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ पानी के लिए त्रा त्रा आदमी होता है, आप लोग दो डब्बा लेके जाओ भर के ले आओ, फिर से दूसरे आदमी को भी मौका दो ताकि वो भी पानी भर ले। दो डब्बे तुम चार चार डब्बे लाते हो और वहाँ एक आदमी भरता है और बाकी आदमी नहीं पाते हैं पानी, हैंड पंप बिगड़ गया, अब उसके जिम्मेदारी कौन हो, हम पानी के लिए त्रा त्रा हो रहे हैं। तो घोषणा तो आपने सुन ही ली होगी, ये पानी भरने को लेकर फरमान है, बकायदा मुनादी करवाकर हैंडपंप से पानी भरने के नियम बताए जा रहे हैं। मौसम गर्मियों का है और जाहिर सी बात है कि पानी के लिए हर जगह मारा मारी है। ढिंडोरी में तो पानी को लेकर एक बेहद अजीब फैसला सामने आया है। यहाँ जनपद के अजवार पंचायत में पानी के लिए एक अनोखा फरमान जारी हुआ है। फरमान के मुताबिक हैंडपंप से सिर्फ दो ही पानी के डिब्बे भरे जा सकते हैं। मुनादी करवाकर गांव के हैंडपंप में से दो डब्बे पानी ले जाने को कहा गया है। आरोप है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग 25 से 30 डिब्बे लेकर हैंडपंप पर डटे रहते हैं, जिसके चलते गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को पानी नहीं मिल पाता और विवाद की स्थिति बन जाती है। इससे निपटने के लिए ग्राम पंचायत ने ये फैसला लिया है कि एक आदमी हैंडपंप से सिर्फ दो डिब्बा पानी ही भरेगा। मेरे को बोले हैं, आदेश निकला है सरपंच महोदय एवं हमारे गांव के सियाने लोग, क्या आदेश निकला? ये आदेश निकला है कि हमारे यहां तीन तीन चार चार दस दस डब्बे एक एक आदमी भरते हैं, इसके बाद में दूसरे को भरने नहीं देते हैं, हैं? पानी के लिए बहुत त्राह त्राह है, इसलिए हमने विचार बना करके हमारे आदेश निकाल करके सरपंच महोदय एवं हमारे गाँव के सियाने कि भाई दो दो डब्बा सबको ले जाओ, सबका मौका दो, यदि अगर आप लोग नहीं देते हो एक ही जन भरते हो डब्बा वो खाली हो गया हैंडपंप जल नहीं निकल रहा है तो हम कहाँ जाएं, त्रा त्रा है जल के लिए। तकवारी भी करते हो? हाँ तकवारी भी करता हूँ, कल से हो गया। क्या देखते हो आप? मैं वहाँ देखता हूँ कि एक दो डब्बे लेके आओ और भर के ले जाओ, अगर दस डब्बे पाँच डब्बे चार डब्बे अगर मिला। गौर करने वाली बात है कि गांव में जल संकट गंभीर है, जिसके चलते पंचायत ने पूरे गांव में बकायदा मुनादी करवाई है। करीब 1000 की आबादी वाले अजवार गांव में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और ऊपर से गांव के हैंडपंप से कुछ प्रभावशाली लोग कई डिब्बे भर लेते हैं, जबकि कई लोगों को एक डिब्बा भी नसीब नहीं हो पाता। तो वहीं मुखिया के मुनादी का ये अंदाज सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है, लेकिन लोगों में खुशी है। हाँ वो कई लोग आते हैं, 10 डिब्बा लेके आ गए, 20 डिब्बा लेके आ गए और अगले इंसान को पानी नहीं दे रहे हैं, इससे समस्या है और कुछ नहीं। पंचायत के फैसले से आप सही मानती फैसले को गलत मानती? जो ठीक है कि अगर आदमी अगला जा रहा है तो उसको भी पानी मिलना चाहिए, ये है। और वही पंचायत के इस फैसले की कोई निंदा कर रहा है तो कोई प्रशंसा, वही इसे प्रशासन और सरकार की नाकामी भी बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि पंचायत के इस फैसले से बड़ी आबादी खुश दिखाई दे रही है। ये ऐसा है कि ग्राम की व्यवस्था है कि हम सब घरों तक कैसे पानी पहुँचाएं सबके लिए, अगर जहाँ एक ही घर में अगर दो चार दस डब्बा भर जाए तो अन्य घरों में दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा एक सार्वजनिक रूप से व्यवस्था बनाया गया है कि भाई आप लोग समय सीमा में दो दो डब्बा उपयोग करें, फिर बाद में आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि अजवार ग्राम में करीब 5 हैंडपंप हैं, जिनमें दो की हालत तो ठीक है लेकिन बाकी 3 नाम के ही हैं, जिसके चलते पानी की समस्या विकराल है। इस फैसले पर लोग ये तो जरूर कह रहे हैं कि दो डिब्बा पानी पर्याप्त नहीं है, लेकिन पहले तो दो डिब्बे भी नहीं मिल रहे थे। तो वहीं ग्राम पंचायत प्रधान का कहना है कि पानी सभी की जरूरत है, लिहाजा फैसला सही है। हमने देखा कि एक हैंडपंप में जो है एक परिवार अगर जो है 20 से 25 हजार लेके आता है पानी भरने, तो दूसरे परिवार के लोगों को जो है समय में पानी नहीं मिल पाता, इसलिए इस व्यवस्था को जो है दुरुस्त करने के लिए हमने जो है गांव के वजीर हैं, गांव की व्यवस्था बनाने के लिए गांव के वजीर को हमने जो यह बोला भाई कि सभी से आप बोलें कि कम से कम जो है हर महिलाएं दो बुंदी जो है लेकर आए और दो बुंदी पानी ले जाएं, ताकि दूसरे महिलाओं को भी जो है दो बुंदी पानी ले जाएं। अगर वो जो है दो दो बुंदी पानी अगर ले जाते हैं, जितना वो मतलब वजन सह सकती है उतना जो है पानी अगर ले जाए वो दो गुंडी तीन गुंडी पानी, तो वो अगर 3 गुंडी पानी भर रहे हैं तो जल्दी चले जाएंगे दूसरे महिलाओं के। आपको बता दें कि ग्राम अजवार रैयत में पीएचई विभाग ने लाखों रुपए की लागत से पानी की टंकी और पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन ये सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है।
पीएचई विभाग के अफसरों पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। लिहाजा पानी के दो डिब्बे भरने के इस फरमान की काफी चर्चा हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ढिंडोरी से दीपू ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।